झारखंड के पलामो में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के लिए किसान वोट बैंक है, जबकि बीजेपी के लिए किसान अन्नदाता है, और यही अंतर है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। श्रीनगर की मंसूर कॉलोनी में किराए के मकान में रहते एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई, मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुए अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने आज आईएएस और तत्कालीन डीएमबी चंद्रकला के लखनऊ आवास पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक यहां से सीबीआई टीम ने घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आज श्री मुक्तसर साहिब में अकाली बीजेपी वर्कर मिलनी से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कैप्टन सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया है और किसानों का सारा कर्ज माफ करने की बात कहकर अब कुछ किश्तें ही माफी हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार की 2 वर्ष की कार्यगुजारी ने लोगों को निराश किया है और अब कैप्टन लोगों का सामना करने से भाग रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के नेतृत्व में जिला मुख्यालयों पर लीड बैंकों के समक्ष लगाए मोर्चे के 5वें दिन कर्ज रूपी दैत्य का शिकार बने किसानों की विधवाएं अपने मृतक पतियों की तस्वीर लेकर पहुंची। अजीत के साथ बातचीत करते हुए विधवा महिलाओं ने कहा कि उनके घरों की बर्बादी के लिए समय समय की सरकारें जिम्मेदार हैं, इसलिए पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में विशेष तौर पर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आज और कल भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सरकार ने राज्य में जिला अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामो में कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। गांव ढानी मोहरी राम के निवासी अमरीक चंद बिजली बोर्ड के पुत्र मनदीप कुमार ने नेपाल में हुए एथलेटिक्स मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीतकर जिला फाजिलका और अपने इलाके का नाम रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आज एक स्कूल बस खाई में गिरने से 5 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि जिला मुख्यालय नाहन से लगभग 40 किलोमीटर और राज्य की राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध हिंदू मंदिर रेणुका जी के पास हादसा उस समय हुआ जब बच्चों को लेकर स्कूल जा रही बस का संतुलन अचानक से बिगड़ गया। देश के सबसे बड़े पीएनबी घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने विशेष पीएमएलए कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। नीरव ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका के खिलाफ जवाब दिया है जिसमें उस विशेष अदालत ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। नीरव मोदी ने अपने जवाब में कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया।